है वो वोट कास्ट करने पहुंचे। राहुल गांधी की तस्वीर रायबरेली से चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी का जो सीट है रायबरेली वो बड़ा इंटरेस्टिंग माना जा रहा है क्योंकि सस्पेंस लगातार बना हुआ था कि आखिरकार राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अमेठी सीट छोड़ते हुए जहां पे स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है उन्होंने रायबरेली को चुना। 2019 में यहां पर सोनिया गांधी खड़ी हुई थी, उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली का सीट और यहां से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। 4 जून को पता चलेगा कि क्या यहां से राहुल गांधी जीत पाते हैं या कोई और जीतता है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर राहुल गांधी जो कि चुनावी मैदान में है और लगातार बीजेपी उनके ऊपर हमलावर भी रहती है। शहजादा कहा जाता है राहुल गांधी को बीजेपी की ओर से और परिवारवाद के भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी की ये सीधी तस्वीर सामने आ रही है और रायबरेली में लगातार वोटिंग की प्रक्रिया 7 बजे से जारी है। उनकी सीट पर आज वोट पड़ रहे हैं और इस बीच राहुल गांधी की यह तस्वीर महत्वपूर्ण। तो लगातार लोकतंत्र के महापर्व में जन भागीदारी निभाते हुए फिल्मी स्टार जिसकी 5 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, एक्टर अक्षय कुमार की यह पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो सुबह मुंबई के पोलिंग बूथ पर पहुंचे और यहां पर पहुंचकर वोट कास्ट किया। अक्षय कुमार को अपने बीच पाकर फैंस भी उत्साहित नजर आए, कुछ लोग सेल्फी लेते हुए भी नजर आए, कुछ लोग हाथ मिलाते हुए भी नजर आए अक्षय कुमार से। जानवी कपूर की तस्वीर, राजकुमार राव, फरहान अख्तर, सानिया मल्होत्रा, इन सभी ने अपने वोट कास्ट कर दिए। तो आप भी अपने घरों से निकलिए और अपना वोट कास्ट करिए। हालांकि गर्मी ज्यादा है जिसकी वजह से सुबह पोलिंग बूथ पर ज्यादा लोग दिखाई दिए। फिलहाल इस वक्त रफ्तार थोड़ी कम है लेकिन उम्मीद ये है कि शाम होते होते वोट परसेंटेज थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो महासंग्राम 2024 को लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, सटीक और सबसे पहले हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चुनावों से जुड़ी, जहां पर लोगों के रिएक्शंस भी सुना रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं कोटरी के भट्टी कांड से जुड़ी,